Hello everyone, welcome to the Adarsh Rath Report and today we will discuss about Bangladesh. Kuch ho raha hai Bangladesh mein jo discuss karna important hai. So 2024 quota reform movement, right? So this is today's topic. So क्या ऐसा हो रहा है जो पूरा नेशन वाइड कर्फ्यू डिक्लेयर हो गया है, इनफैक्ट शूट एट साइट कर्फ्यू भी डिक्लेयर हुआ है, व्हाट इज द स्टोरी ऑल अबाउट. सो इसके लिए थोड़ा सा एक हिस्ट्री है. यू ऑल नो कि 1971 में बांग्लादेश बना, सो दैट मूवमेंट वाज कॉल्ड लिबरेशन वॉर या लिबरेशन मूवमेंट. तो तब से जब बांग्लादेश बना तो इसमें ये था कि गवर्नमेंट जॉब्स में, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी था कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको जॉब में 30% का कोटा मिलेगा. 30% कोटा इज ओनली फॉर द फ्रीडम फाइटर्स. ये 1971 से चला आया. एंड देन फ्रीक्वेंटली वो चेंजेस हुआ है. अभी जैसा इतना साल हो गया, अभी फ्रीडम फाइटर्स तो जनरली नहीं रहे होंगे. सो बाद में चेंज हुआ कि नॉट जस्ट फ्रीडम फाइटर्स बट उनके जो बच्चे हैं, सो उनके बच्चों को भी वो कोटा अप्लीकेबल है. सो 30% कोटा फॉर गवर्नमेंट जॉब जो है वो फ्रीडम फाइटर्स या उनके बच्चे को भी मिलेगा. फिर उसके बाद ये हुआ कि नॉट जस्ट देयर चिल्ड्रन बट देयर ग्रैंड चिल्ड्रन भी दे विल ऑल्सो गेट दी कोटा. सो दिस इज यही मुद्दा है जो 30% कोटा फॉर द फ्रीडम फाइटर्स. अब 2018 में हुआ यूं कि 2018 में एक गवर्नमेंट सर्कुलर था. 2018 में एक बांग्लादेश कोटा रिफॉर्म मूवमेंट एक हुआ. बहुत सारा ये प्रोटेस्ट हुआ कि उनका ग्रैंड चिल्ड्रन तक नहीं मिलना चाहिए. एक तो ये था कि उनका कहना ये है कि अभी कौन फ्रीडम फाइटर्स है, ये इतना एनीवे इतना आसान नहीं है बोलना कि मैं फ्रीडम फाइटर था, इनके फैमिली फ्रीडम फाइट में लिबरेशन मूवमेंट में इन लोगों का योगदान था, वॉट एवर. बट ठीक है, चिल्ड्रन था ठीक है, बट ग्रैंड चिल्ड्रन को देना वो कितना सही है. सो दैट उसी के लिए 2018 में मूवमेंट हुआ. तो उसके बाद क्या हुआ, 2018 में गवर्नमेंट उसको दे कैंसल्ड इट, राइट. सो गवर्नमेंट कैंसल्ड द सर्कुलर जिसमें ये था कि 30% कोटा मिलेगा, वो कैंसल हो गया था. सो 5th जून 2024 में वो हुआ यूं कि जितना भी वो कोटा था, ये जो कैंसल हो गया था 2018 में, उसको वापस से रीइंस्टेट कर दिया गया. मतलब हाई कोर्ट का ये डिसीजन था कि द सर्कुलर जो 2018 में बना था दैट इज इलीगल, विच मीन्स 30% कोटा स्टिल स्टैंड्स गुड. ये जब हुआ तब ये स्टूडेंट ये सब प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए, और मेजरली यूथ ये प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए, बिकॉज 30% इज ह्यूज, राइट. सो बेसिकली उनका डिमांड था कि इतना कोटा होना नहीं चाहिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ये नहीं चाहिए, वो सब. सो दैट वाज द स्टोरी. इनफैक्ट बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम है, इनफैक्ट वी ऑल नो एज इंडियंस, बांग्लादेश अभी हम लोगों का बहुत फ्रेंडली नेबर है. जितने भी नेबर है, बांग्लादेश इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट नेबर टू अस. बांग्लादेश में ऑलरेडी बहुत सारा इश्यूज था जो उनको हैंडल टैकल करना है, जैसे कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा उनका बढ़ा हुआ है. इनफैक्ट कोविड के बाद उनका एक्सपोर्ट भी हिट किया, और जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ वो उसके लिए भी उनका एक्सपोर्ट हिट किया. वी ऑल नो कि बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का होता है, सो वो हिट किया. उनका थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा हुआ है. IMF से वो थोड़ा सा अभी फंड लिए हैं, विच इज़ गुड, लेकिन अभी उनका इकोनॉमी पे काम करना ही था जबकि दिस हैपेंड. इनफैक्ट ये जो प्रोटेस्ट हुआ ये इस हद तक गया कि एज पर द नंबर से, अभी तो इंटरनेट वगैरह सब बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, यूनिवर्सिटीज बंद है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद है. इनफैक्ट मोर देन 150 प्रोटेस्टर्स वेर किल्ड. ये तो नंबर ऑफिशियल नंबर है, वी डोंट नो द एक्चुअल नंबर येट. मोर देन 10,000 वेर इंजर्ड, राइट. सो दीज आर सम रियल बैड नंबर्स. और ये भी है कि शूट एट साइट का ऑर्डर वहाँ पे होना, दीज आर रियल वरीसम थिंग्स. उनका डिमांड ये है कि
इतना कोटा होना नहीं चाहिए। सो 21 जुलाई को इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का एक हियरिंग हुआ है बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट में। आई थिंक उनका डिस्कशन ये है कि वो जो 30% कोटा है उसको 5% कर दिया जाए एंड वो होना चाहिए। इसी बीच एक प्राइम मिनिस्टर जो है शेख हसीना, उनका एक बयान था कि व्हाट्स इज मेंशनड कि 30% कोटा फ्रीडम फाइटर का ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार का फैमिली को मिलेगा। आई मीन इन बांग्लादेश रजाकार इज बीइंग यूज्ड फॉर ट्रेटर्स, मतलब जो फ्रीडम के अगेंस्ट में थे काइंड ऑफ थिंग। सो रजाकार को मिलेगा क्या? अब दैट स्टेटमेंट और ज्यादा ये शायद वो 14 जुलाई को वो स्टेटमेंट दी थी एंड दैट फर्दर ये प्रोटेस्ट बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। सो बहुत सारा स्लोगन्स आया इन टर्म्स ऑफ रजाकार एंड दोस थिंग्स। सो एनीवे अभी तक ये है कि 21 जुलाई को अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि वो 30% नहीं रहेगा, वो 5% आ जाएगा एंड देन जो मेरिट है जिनके बेसिस पे भी ये 5% दिया गया वो उसको भी थोड़ा स्ट्रिंजेंट बनाया जाए। सो लेट अस सी आगे क्या होता है। वी होप कि सिचुएशन बेटर हो जाए एंड देन लेट सी कि थिंग्स गो पीसफुल यहाँ से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।